हेलो एवरीवन, दिस आर प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर है 3। आज हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, और थर्ड चैप्टर में इससे पहले हमने मिनरल को कंप्लीट कर लिया है, अब हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पावर और जो एनर्जी है, ये वाइटल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, बहुत ज़रूरी पार्ट है, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ होती है, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ अगर पावर रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज़ करें तो दो तरीके से कैटेगराइज़ कर सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल है और एक नॉन कन्वेंशनल है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज बहुत टाइम पहले से यूज़ किए जा रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं इनको अभी डेवलप किया गया है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में कुछ ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हैं। और अगर कन्वेंशनल की बात करें तो ये रिन्यूएबल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये रिन्यूएबल हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन और आया होगा आपके माइंड में, जब हम ऑलरेडी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लाइक ये ट्रेडिशनल फॉर्म मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये बहुत पहले से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज को, तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया ये रिन्यूएबल नहीं है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ ये कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, तो एक बैकअप भी होना चाहिए ना। तो जब अगर कभी कन्वेंशनल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं और जिनको हम बहुत टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, हम इनको बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो फायरवुड को एक बार अलग अलग पढ़ लेते हैं, फायरवुड भी और फॉसिल फ्यूल भी, तब आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे फायरवुड की हम बात करें तो फायरवुड मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? फायरवुड रिसोर्सेज यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए एंड हीटिंग के लिए। जैसे कि फायरवुड में क्या आ जाएगा, एक तो काऊ डंग आ जाएगा, वुड आ जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ किए जाते हैं ना गांव में। जब लोग चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा किस चीज़ से जलाते हैं? वो काऊ डंग को यूज़ करके, एंड वुड में जब वो फायर लगाते हैं तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो ज़्यादातर इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए। तो जो फायरवुड रिसोर्सेज हैं इनको इन दोनों चीज़ों के यूज़ के लिए इनको रखा जाता है, प्लस ये ज़्यादातर विलेजेस में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारी कंट्री में मोर देन 50% जो ये एनर्जी है, फायरवुड एनर्जी, ये विलेजर्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? जब डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन दोनों के जो रिमेन्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स डेड हो चुके हैं और जिन एनिमल्स की भी डेथ हो चुकी है, तो जो इन दोनों के रिमेन्स हैं, बॉडी पार्ट्स लगा लो या कोई भी पार्ट लगा लो प्लांट का एंड एनिमल का, तो जो इनके रिमेन्स होते हैं ना वो अर्थ के अंदर बरी हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं। तो जो अर्थ की लेयर है उसके नीचे ये दबते रहते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स ये दबते रहते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है कि इसके अंदर हीट एंड प्रेशर लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पर है डेड प्लांट्स, यहाँ पर है डेड एनिमल्स, ओके। तो इनके ऊपर जो अर्थ की लेयर्स है वो आती जाती है, आती जाती है ना, और ये नीचे जाते रहते हैं, जो प्लांट्स हो गए एंड जो डेड एनिमल्स हो गए। तो दोनों जब नीचे जाते रहते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर हीट लगता है एंड प्रेशर लगता है। तो जब हीट और प्रेशर इनके अंदर जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों कन्वर्ट होके फॉसिल फ्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हमें किससे मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये? जब एनिमल्स और जो प्लांट के डेड पार्ट होते हैं, जब वो मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ के अंदर दबे रहते हैं तो उनमें हीट एंड प्रेशर लगता है, हीट और प्रेशर लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में और हमें ये फॉसिल फ्यूल फिर मिलते हैं। तो जो अभी ये मिनरल्स हमने देखे हैं ये बहुत लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ़ फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो रेट ऑफ़ फॉर्मेशन तो बहुत कम है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इस वजह से ये कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं।
अभी हमने जो बात की फॉसिल फ्यूल की, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, इन तीनों को अभी हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे और नेचुरल गैस कैसे हमें प्राप्त होती है। देखिए, जो कोल है ये मोस्ट अबंडेंटली पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। तो कोल बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में, स्टीम इंजन्स में भी इसको यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट करते हैं उसको तो कहा जाता है थर्मल पावर, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, हाइडल पावर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो एनर्जी कोल से मिलती है वो होती है थर्मल पावर, जो एनर्जी वाटर से मिलती है वो होती है हाइडल पावर। अब जो कोल आज हम यूज़ कर रहे हैं ये ऐसा तो है नहीं कि एक दो साल में बना हो, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। और ये कैसे बना है, जब वैसे ही जैसा हमने फॉसिल फ्यूल में पढ़ा, जब डेड प्लांट, डेड एनिमल्स ये जब बरी होते रहते हैं अर्थ की लेयर में, तो फिर क्या होता रहता है, हीट प्रेशर लगता है तो फॉसिल फ्यूल बनते हैं। तो उसी तरीके से जब फर्न्स एंड स्वॉर्म्स हैं, फर्न्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स के डेड पार्ट हो गए, एनिमल्स का कोई डेड पार्ट हो गया, और स्वॉर्म्स क्या होते हैं, जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, ये बरी होते रहते हैं, और अर्थ की लेयर में बरी होने के साथ साथ फिर इसमें जब हीट और प्रेशर लगता है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फिर एज अ फॉसिल फ्यूल निकल कर आते हैं, मतलब फिर इनमें इनसे कोल निकलता है। तो इसीलिए ये मिलियंस ऑफ ईयर्स दबे रहते हैं, इसीलिए कोल को क्या कहा जाता है, बरिड सनशाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कोल कौन कौन प्रोड्यूस करता है मेजर मात्रा में, जैसे चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, लेकिन इंडिया की बात करें तो रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, यहाँ पर हमें जो कोल है वो प्रोड्यूस होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अब बात करेंगे पेट्रोलियम की। अब जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डालते हो जिससे गाड़ी चलती है, और ऑयल जो आप अपनी साइकिल में डालते हो जिससे साइकिल स्क्वीकिंग होने से बचती है, स्क्वीकिंग पता है ना क्या होती है, जैसे चू चू वाली आवाज़ होती है ना, कुछ ऐसी साइकिल में आती रहती है जब वो स्मूथ नहीं चलती है, तो आप उसमें ऑयलिंग करते हो। तो जो चीज़ें आप ये यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल एंड ऑयल, ये किसके प्रोडक्ट है, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। अब पेट्रोल और पेट्रोलियम में कन्फ्यूज़ मत होना, ये पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इसमें डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, कैरोसिन भी एंड अदर प्रोडक्ट्स भी इसमें आते हैं। तो जो ये पेट्रोल है ये इसका पार्ट है। ओके, अब इसको एक बार आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो दोनों हमने अभी प्रोडक्ट किए एंड अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, ये कहाँ से निकाले जाते हैं, थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये थिक ब्लैक लिक्विड, ये पाया जाता है रॉक्स की बहुत सारी जो लेयर्स हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। अब ये बहुत सारी लेयर्स के बीच में पाया जाता है और ये डेप्थ में होता है, तो इसलिए ड्रिलिंग प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है। तो ड्रिल को यूज़ करके इनको नीचे से, ऐसे ड्रिल में, ड्रिल मशीन को यूज़ किया और फिर नीचे से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको बाहर निकाला जाता है, फिर इनको बाहर निकाल कर ये जो जो थिक ब्लैक लिक्विड इनको बाहर निकाला जाता है, जिस प्रोसेस से क्या होता है, क्रूड ऑयल निकलता है, फिर इनको रिफाइनरीज में भेजा जाता है। अब रिफाइनरीज में जब इनको भेजा जाता है ना, तो क्या होता है कि फिर इनसे बहुत सारा जो मिक्सिंग हो रखी होती है इनके अंदर, कुछ ऐसा मटेरियल जो हमारे यूज़ का नहीं होता, तो फिर इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। तो सबसे पहले जैसे प्लास्टिक निकलता है जो कि कचरे की तरह होता है ना, ऐसे प्रोसेस में चीज़ें निकलती रहती हैं, तो इनको और ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ये सब निकलती रहती हैं, तो जो कि पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। अब जो पेट्रोलियम है और जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। एंड इनको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके वैल्यूएबल होने की वजह से, मतलब इनका जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वर्थ में आप यहाँ पर मनी ऐड कर सकते हो कि इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ इनकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये वैल्यूएबल होने की वजह से इनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये एक बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है।
अब आगे देखते हैं कि पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाली कौन कौन सी कंट्री हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। अदर जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सब हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दिग्बोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इंडिया में पेट्रोलियम का प्रोसेसिंग नहीं होता है, यहाँ पर भी होता है, बस ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पर, इसीलिए बाहर से मंगवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडिया का पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ से इसका प्रोसेसिंग किया जाता है और इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। अब एक बार ये वर्ड देख लें, ये पेट्रोलियम कहाँ से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। एक बार मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। और ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल। ठीक है, पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो देखिए वर्ड बन गया ना पेट्रोलियम, तो मतलब रॉक में पाया जाने वाला जो ऑयल होता है, जो थिक ब्लैक लिक्विड होता है, तो इसीलिए इसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और पेट्रोलियम मीन्स क्या होता है? रॉक ऑयल। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल गैसेस की। ये कहाँ पाई जाती हैं? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ पाई जाती हैं। प्लस ये कैसे रिलीज़ की जाती हैं? जब क्रूड ऑयल सरफेस पर ला दिया जाता है तो नेचुरल गैसेस निकलती हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये नेचुरल गैसेस जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं इनके पास क्यों पाई जाती हैं? देखिए पेट्रोलियम जो कि एक थिक ब्लैक ऑयल है, ठीक है, ये यहाँ पर लगा लीजिए, ये यहाँ पर पाया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। और जो इसके नीचे मैग्मा होता है तो वो मैग्मा की वजह से, मैग्मा इसके अंदर क्या करता है? हीट या फिर कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब ऑयल को कन्वेंशनल एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस होगी ऑयल के ऊपर, ठीक है, ऐसे कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा? इससे गैसेज प्रोवाइड होंगी, तो गैसेज निकलेंगी इस ऑयल पार्ट से। तो ऐसे ही नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है पेट्रोलियम डिपॉजिट से। और जो नेचुरल गैसेज हैं कहाँ यूज़ की जाती हैं? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में इनको यूज़ किया जाता है। अब जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैसेज के, वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पर नेचुरल गैसेज को प्रोड्यूस किया जाता है? जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड वो कुछ एरिया जो मुंबई में ऑफ शोर में, मतलब ऑफ शोर क्या होता है? जो कोस्टल एरियाज से पास होता है और लैंड से ज़्यादा दूर भी नहीं होता, ठीक है। तो सम एरियाज जो ऑफ शोर हैं मुंबई में, वहाँ पर नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस की जाती हैं। अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो बहुत ही कम कंट्रियाँ, बहुत फ्यू कंट्रीज़ हैं जो जिनकी अपनी नेचुरल गैसेस हैं और जिनके अपने नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स हैं। अब देखिए जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है उसी हिसाब से इनका डिप्लीशन भी हो रहा है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये जो फ्यूल्स हैं इनको अगर बर्न किया जाए तो इनसे कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो इसीलिए भी एक मेजर कंसर्न है। लेकिन अगर इसका ऑल्टरनेटिव देखा जाए, जैसे फॉसिल फ्यूल से तो बहुत सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट निकलते हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव है जो कम पोल्यूशन करता हो? यस, उसका अल्टरनेटिव है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज हैं ये इको फ्रेंडली होती हैं और ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, किससे? पेट्रोल एंड डीजल से। नॉट ओनली पेट्रोल, एक्चुअली पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है। तो पेट्रोलियम एंड डीजल से लेस पोल्यूटेंट्स क्या होती हैं? सीएनजी होती हैं, ये इतना पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं एनवायरमेंट में और ये थोड़ी इको फ्रेंडली होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल कौन सा है, तो आप टिक करके आएंगे सीएनजी पर। अब बात करेंगे हाइडल पावर की। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो एनर्जी वाटर से या जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहा जाता है? हाइडल पावर कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है तो उसे क्या कहा जाता है? थर्मल पावर कहा जाता है। अब ये देख लेते हैं कि हाइडल पावर क्या होता है। देखिए जो रेन वाटर है या जो रिवर वाटर है उसको ऐसे स्टोर कर लिया जाता है डैम्स में, तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ऐसे इसमें डैम बना के इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो पहले हम इनको एक बार लाइन को पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम देखेंगे। तो जो ये रेन वाटर है या जो रिवर वाटर है जिसको स्टोर किया गया है डैम में, इसको पूरी हाइट से नीचे फेंका जाता है, डाला जाता है एक्चुअली। तो क्या होता है, जब ये नीचे गिरता है
तो नीचे की साइड बॉटम पे कुछ टर्बाइन ब्लेड्स लगा दी जाती हैं। अब जो नीचे की तरफ बॉटम पे टर्बाइन ब्लेड्स होती हैं, जब इन पर पानी गिरता है तो ये जो मूविंग ब्लेड्स होती हैं इनसे क्या होता है, जनरेटर टर्न हो जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और जो ये वाटर डिस्चार्ज होता है ना, जैसे जैसे ये जो पानी है ये नीचे गिरता है हाइट से, अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि ये पानी गिरकर फिर जाता कहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच जाती है इन तारों के थ्रू, इन ट्रांसमीटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच जाती है। अब जो वाटर है वो कहाँ जाता है, उस वाटर को डिस्चार्ज करके कहाँ पर डाला जाता है, इरीगेशन में यूज़ किया जाता है उस वाटर को। फिर अगर पूरे वर्ल्ड में 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। तो जो इनके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के वो कौन से हैं, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाटर जो है डैम्स बना के इसको रिजर्व किया गया, ऊपर से इसको फिर नीचे फेंका, नीचे आया तो ये भी वाटर की स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ पर। तो वाटर की ऐसे आया नीचे, जब वाटर की भी स्पीड होगी और टर्बाइन भी यहाँ पर चल रही होती है, इसके जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे पंखे के ब्लेड घूमते रहते हैं आप उसको जब टर्न ऑन करते हो, तो ऐसी जो ये टर्बाइन है इसके तो ब्लेड्स बहुत ज़्यादा तेज़ से घूमते हैं। तो जब वाटर की एनर्जी और टर्बाइंस की जो एनर्जी होगी जब वो मिलती है साथ में, तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर करंट जो है प्रोड्यूस होकर और फिर क्या होता है, यहाँ ट्रांसमिशन के थ्रू करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुँचा दी जाती है। जो आप अपने घरों के पास पोल्स देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, वहाँ तक ये फिर एनर्जी आ जाती है या ये इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, हाइडल पावर कहा जाता है। अब ये डू यू नो है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। नॉर्वे जो है ये पहली कंट्री थी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप ध्यान में रखना। अभी हमने उन कंट्रीज़ की बात कर ली जहाँ पर हाइडल पावर स्टेशंस है, अब इंडिया की बात कर लेते हैं कि हाइडल पावर स्टेशंस इंडिया में कहाँ हैं। भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर हमारा जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये यहीं फिनिश होता है। कल हम अलग से वीडियो बनाएंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, फिर इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम फोर्थ चैप्टर पर बात करेंगे। आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।